आप हमको इंसान ना ही समझते है ना है ना कोलू का बैल समझते हैं। चौबीस घंटे घर में काम करते रहते हैं। हम पूरा दिन काम में लगे रहते हैं एक सौ दिन का छुट्टी भी ना ही मिलता है हमको आराम करने के लिए अरे तो क्या क्या समझ रही हो सारा काम तुम ही करती हो हम कुछ नहीं करते हैं क्या आप का करते हैं अच्छा हम क्या करते हैं हम जो खोखे मतलब शाप पे जाते हैं वहां के चादर तान के सोते हैं एक से एक नमूनों से पाला पड़ता है और जो कच्चे बनियान का बिजनेस है ना करना इतना आसान नहीं है पगली तेल निकल जाता है तेल समझी हाँ आपका तो तेल निकलता है और हमरा परफ्यूम निकलता है ना परफ्यूम तो अभी आपने कहा ना कि आपके प्यार रंगून गए हुए तो कछु भी वो तो हम गाना गा रहे थे ना वो रंगून गाए जाएंगे वो तो खोखे पर गए हैं भाभी जी आपने हमारा दिल तोड़ दिया क्या <laughs> मैं मैं सब मजाक कर रहा था बस <laughs> पीएंगे आप। पीएंगे, जरूर पियेंगे क्यों नहीं पियेंगे आप पी लीजिए और आप क्या पियेंगे हम भी तरल पदार्थ के जो आइटम होते हैं जैसे दूध चाय शरबत काफी इन सब से हमको दूर रहना है हमारा तबियत खराब हो जाता है आप इतनी नाजुक कब से गई भाभी जी पता नहीं भाभी जी आज आपकी छोले चाय पीने का दिल कर रहा है नहीं नहीं हम ना ही पिएंगे प्लीज भाभी जी दो घूंट पी लीजिए प्लीज दो दो घूंट सिर्फ दो घूंट हम ना ही पिएंगे भाभी जी आपके दीवाने मेरा मतलब है परवाने नहीं आ, मेरा मतलब मस्ताने। <laughs> आद, आ, मेरा मतलब है आपके आशिक नहीं जानवर आ क्या बोले मैंने कहा जानेमन आ क्या बोले अरे यार भाभी जी आ, आपको ना इस पड़ोसी की कसम प्लीज तो खुद चाय पी लीजिए जिंदगी समझ जाएगी हमारी प्लीज प्लीज भाभी प्लीज, जी प्लीज, जो लोग हमसे जलते हैं वो अगले साल भी ऐसे ही जलते रहना क्योंकि कैलेंडर बदलेगा हम नहीं बेबी <laughs> hmm. आपके हिसाब से बीवी कैसी होनी चाहिए मतलब मतलब लंबी छोटी मोटी पतली गुंगी हाय हाय आज तो बैरन कती बम लग गया है थैंक यू जी जी तो करता ना पाकिस्तान में फैल गया हूँ